जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में मॉब लिंचिंग, भीड़ में सिलेंडर चोरी के शक में दो युवकों को पीटा। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में मॉब लिंचिंग, भीड़ में सिलेंडर चोरी के शक में दो युवकों को पीटा, एक ने दम तोड़ा, दूसरा गंभीर। जमशेदपुर स्थित सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के वारिडी जाहिर बस्ती मर्सी अस्पताल के सामने सोमवार सुबह 6:45 बजे चोरी के आरोप में बस्ती के 50-50 लोगों ने बाइक पर सिलेंडर ले जा रहे दो युवकों की जमकर पिटाई की। आधा घंटे तक घेरकर दोनों को लाते जूते, लाठी व डंडे से पीटा। घटना के बाद सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस पहुंची, रेस्क्यू कर दोनों को MGM अस्पताल ले गई। MGM अस्पताल में डॉक्टर ने जाहिर टोला बस्ती निवासी अमन मंडल उम्र 22 को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल अमन का दोस्त संजीत धाम उम्र 19 MGM में इलाजरत है। संजीत का दायां हाथ टूटा है। घटना स्थल से पुलिस ने घायल व मृतक के कपड़े, एक बाइक व सिलेंडर जब्त किया है। अमन मंडल पूर्व में लूटपाट व चोरी के मामले में 4 बार जेल जा चुका है। 1 साल पहले वह जेल से बाहर निकला था। वही घायल मैट्रिक पास है। वह कुछ माह तक ओडिशा के अंगुल की एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था। कुछ दिन पहले वह शहर लौटा था। देर रात का घटना स्थल के आसपास किसी तरह का फुटेज पुलिस को नहीं मिला है। वही DSP सुधीर कुमार को छानबीन में मारपीट करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम स्थाई लोगों ने नहीं बताया। सभी हमलावरों को अनजान बता रहे थे। घायल बोला, हम दोनों को भीड़ आधा घंटा तक पीटती रही। घायल संजीत ने बताया, मैं न्यू वारिडी बस्ती में रहता हूँ। पिता सिद्धांत धान ने टाटा स्टील से VRS लिया है। सुबह 4 बजे अमन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सिलेंडर को बेचकर जेब खर्च निकालते हैं। उस वक्त 4:30 बज रहे थे। मैंने अपने घर से सिलेंडर निकाला, फिर अपनी बाइक लेकर चल दिया। अमन पीछे सिलेंडर लेकर बैठा था। जब जाहिर टोला बस्ती सरकारी मोड़ पहुंचे तो वहां बस्ती के लोगों ने घेर लिया। लोगों ने हमें सिलेंडर चोरी कर ले जाने का आरोप लगाते हुए पीटना शुरू कर दिया। देखते देखते 30-40 की संख्या में भीड़ जुट गई। मुझे भी लोगों ने खींचकर गाड़ी से नीचे उतारा और पीटना शुरू कर दिया। आधा घंटे तक पीटा, बदन के कपड़े उतार दिए। हम लोग जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर भीख मांगते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मामला दर्ज, 3 गिरफ्तार। सिटी SP मुकेश रुणात और DSP सुधीर कुमार ने घायल संजीत का बयान लिया। घायल के बयान पर जाहिर बस्ती निवासी चेतन निवास के धानु टुड्डू उर्फ पौचार, भानु टुड्डू उर्फ होपना टुड्डू, मिथुन समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने घटना स्थल पर बनाए गए वीडियो के आधार पर चेतन ने भानु, धानु और को गिरफ्तार कर लिया है। मिथुन की तलाश जारी है। चैतन्य ने सिलेंडर चोरी के आरोप में